आज हम कक्षा दसवीं में जैव प्रक्रम अध्याय 6 का भाग 4 उत्सर्जन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने श्वसन और पाचन के बारे में अध्ययन किया, तो उत्सर्जन क्या है? शरीर से व्यर्थ हानिकारक उपापचीय पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन है। तो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव, इन्हें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर की सतह से ही विसरण क्रिया के द्वारा उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालते हैं। इस प्रकार उनकी शरीर की सतह से वो भोज्य पदार्थों भी ग्रहण कर लेते हैं और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव जैसे कि हम लोग, इनमें हर कार्य के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, तो इस प्रकार विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है, उसके अभी आप चित्र के द्वारा देखेंगे, एक जोड़ी उसमें किडनी या वृक्क भी बोलते हैं या गुर्दे होते हैं, एक जोड़ी उसमें मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है, यूरिन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो हमारे ये गुर्दे होते हैं, आप देखेंगे इसमें दो महत्वपूर्ण किडनियाँ होती हैं, मैन ये हमारे उदर में पाए जाते हैं, इन वृक्क, ये बायां वृक्क आप देख रहे हैं और ये दायां वृक्क, ये सेम के बीच के आकार की होती हैं और इनमें रक्त, ये देखिए महाधमनी, ये आपको दिख रही है ना, यहाँ से रक्त इस वृक्क के अंदर जाते हैं और महाशिरा के द्वारा इसमें से रक्त बाहर आता है और इस प्रकार ये जो किडनी से निकली हुई दो आप देख रहे हो ना, ये मूत्र वाहिनियाँ हैं, यहाँ से हमारा यूरिन शरीर से इकट्ठा होकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो किडनी है, इस किडनी में हमारा जब यूरिन बनता है तो यहाँ बार बार फिल्टर किया जाता है, तो जो वृक्क है उसकी एक कार्यात्मक इकाई होती है, वो है नेफ्रॉन। ये चित्र आपको बनाना है, ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, आप इसका नामांकन देख लीजिएगा। तो जो नेफ्रॉन है, जो वृक्क है, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, वो इकाइयाँ जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये नेफ्रॉन। हम देखेंगे कि नेफ्रॉन किस प्रकार, इसका एक माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि ये जो नेफ्रॉन है, ये इसमें एक कप जैसे आकार की रचना पाई जाती है और इसमें जो धमनियाँ हैं वो यहाँ पर कुंडलित अनेक प्रकार से शाखित हो जाती हैं और इस प्रकार ये बोमेन संपुट, आप देख रहे हो ना, ये कप जैसा आकार दिख रहा है और ये वृक्क शिरा और जो धमनियाँ हैं यहाँ पर ये शाखित हो गई हैं और इस प्रकार ये कप जैसी रचना, यहाँ पर ये ग्लोम रूलस या इसको कोशिका गुच्छ भी कहते हैं और इस प्रकार ये एक लंबी नली निकलती हुई है और इसके बाजू से धमनी भी इससे सटी हुई पाई जाती है। ये नलिकाकार भाग है ये वाला, ये देख रहे हो आप, बहुत लंबी नली है ये पूरी। तो ये बार बार फिल्टर होता है ताकि हमारे रक्त में यदि कोई उपयोगी पदार्थ है, यूरिन में कोई उपयोगी पदार्थ है, तो यहाँ की कोशिकाएं उसको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और जो बिल्कुल नाइट्रोजन युक्त अमोनिया जैसे व्यर्थ पदार्थ पानी में मिलकर हमारी संग्राहक वाहिनी में इकट्ठे होते हैं और शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो उसमें जो मानव है उसमें अभी जितने अंग होते हैं अभी मैंने पूर्व में बताया, तो ये है पूरा वृक्राणु की रचना। तो इस वृक्राणु में किस प्रकार यूरिन बनेगा, तो यहाँ से यूरिन बनने का उद्देश्य है कि वर्ज्य पदार्थों को छान कर क्या करना है, बाहर करना है। फुफ्फुस, फुफ्फुस जानते हो ना, फेफड़े, इसमें CO2 रुधिर से अलग हो जाती है और हमारे नासा द्वार से बाहर निकल जाती है CO2, लेकिन नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, ये रुधिर से यहीं पर अलग किए जाते हैं। वृक्क में एक आधारी निस्यंद एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भितली वाली कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है और वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ, ये देख रहे हो ना, एक
कप के आकार की हो जाती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक यूरिन बार बार छनता है और जो एकक एकक मतलब नेफ्रॉन रक्काणु एकक उनको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं और आपस में ये इस प्रकार पूरा एक एक नेफ्रॉन की रचना है ये पैक रहते हैं और इसमें से ये क्या करते हैं यूरिन में से यदि मान लो ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़ है यदि वो रह जाते हैं जल वगैरह तो ये भी उसको अवशोषित कर लेते हैं ताकि उपयोगी पदार्थ हमारे यहाँ से बाहर ना निकल सके मतलब उनका पुनर्अवशोषण होता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर कितना विलेय वर्ज उत्सर्जित करेगा पर निर्भर करता है और इस प्रकार वृक्क में बनने वाला यूरिन एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से क्या करती है जोड़ती है और शरीर से हम समय समय पर ये व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अच्छा अब आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी की किडनी खराब हो जाती है या सही ढंग से काम नहीं करती है तो उन लोगों को डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस को बोलते हैं अपोहन अपोहन क्योंकि बिना किडनी के काम नहीं होगा क्योंकि तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डायलिसिस क्या है। डायलिसिस में क्या होता है एक चयनित पारगम झिल्ली होती है और उसके लिए डायलिसिस के लिए एक ताज़ा विलयन ये देखिए ताज़ा विलयन यहाँ पर डाला जाता है और इस प्रकार जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो शरीर से यूरिया और यूरिक लवण ये सब बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं डायलिसिस एक प्रकार का कहना चाहिए कृत्रिम वृक्क आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। ये एक झिल्लियों से बनी एक नली होती है और उसको एक टैंक से इस प्रकार लगा देते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है। एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। अच्छा इस पाठ से प्रश्न आते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र का आप नामांकित चित्र बनाइए और ये कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं आप इन खाली स्थानों को हल करिए आप बुक से ढूंढ कर करेंगे तो आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। धन्यवाद।